लालच में तूने जंगा के पांच आदमियों की भेंट पुलिस को चढ़ा दी। जानता है जंगा इसी नाम की क्या सजा देता है? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया बाबूजी। तू कुछ नहीं जानता कमीने सुखोर। मुझे मत मारो, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तूने नहीं बताया? नहीं बताया। ये नहीं। रामू भैया, बाबू मेरे बाबू को डाकू आ गया। बाबू
बेचारा अकेला ही रहता है। काका, मैं शहर जाकर जंगू को कहा वापस लेकर आऊंगा। वो भले उससे नाराज नहीं, लेकिन है तो मेरा चचेरा भाई, मैं उसे मना लूंगा। अब इस दुनिया में मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं। बेटे, शहर जाकर कोई वापस नहीं आता, पता नहीं जग्गू वहां क्या कर रहा हो। जग्गू दादा, उल्लू का पट्टा। गाली मत दो, यहाँ का दादा है। दादा नहीं, दीदी कहो। कलाई तो देखो, चूड़ियों की कमी है। चाकू चलाने के लिए कलाई नहीं कलेजा चाहिए, जो बाजार में नहीं बिकता। पहले चाकू चलाना सीख लो, फिर किसी का रास्ता रोकना। जग्गू, अगर हम अपनी जमीन बेचकर यहां कोई धंधा करें तो? पुरखों की जमीन बेच दें? हाँ। नहीं रामू, नहीं, अभी हमारे रगों में खून बाकी है। हम गांव लौट चलेंगे और वहां अपनी जमीन पर अनाज बोएंगे, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। किसके जिंदा रहने के लिए? डाकुओं के? डाकुओं के लिए नहीं, अपने लिए। और शायद इस काम में डैनी हमारी मदद कर सकता है। दरवाजा उधर है। हाय डैनी, हाय जगो, हाउ आर यू?
फाइन। क्या डैनी, ये मेरा छोटा भाई है टामू। हाय डैनी, तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चलाओ बैठते। यहाँ नहीं, तेरे कमरे में। इतना से कोई बहुत जरूरी बात है क्या? हाँ यार। बात तो तुम ठीक कह रहे हो जब्बू, लेकिन डाकू का क्या होगा? तुम तो कहते हो वहां पुलिस भी नहीं है। पुलिस अकेली कर भी कह सकती है। जहां पुलिस जाती है वहां डाकू नहीं जाते, और जहां डाकू जाते हैं पुलिस नहीं जाती। जब तक जनता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, चोर चके राज करते रहेंगे। और हम उन्हें एहसास दिला सकते हैं डैनी, जब वो कहीं ऐसा ना हो कि हम तार से गिरकर बबुल में फंस जाएं। उनकी गोलियों का जवाब हम कैसे देंगे? किसी दिन सामना हो गया तो कीदड़ की मौत मारे जाएंगे। कीदड़ की मौत क्यों मारे जाएंगे? मुकाबला करेंगे कैसे? हमारे घर में 4 बंदूकें हैं। कुछ लोग बाबू के पास गिरवी रख गए थे, वापस लेने नहीं आए। अभी तक जंग नहीं लगा। तुम फिर बीच में बोलने लगे हो। चलो आउट, कम ऑन। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलने का। मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। चुपचाप बाहर निकल जाओ। 1 2 3 गुड नाइट। अगर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गाँव गए तो बिना नोटिस दिए मैं वहाँ टपक पड़ूंगी, समझे? गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। बंदूक का जवाब बंदूक से। हम लोग यहाँ करते भी क्या है? आज किसी का सर फोड़ा, कल किसी की टांग तोड़ी। 6 महीने अंदर तो 6 महीने बाहर। कानून के खिलाफ, समाज के खिलाफ। ना इसमें अपनी भलाई ना किसी और की। डैनी, चाकू और छुरी के बल पर जीने वाले लोग एक दिन खुद चाकू छुरी के नीचे आ जाते हैं। जरा सोचो, डाकुओं से लड़ने में एक मतलब होगा, मरने मारने का एक मकसद होगा। और जिन दरिंदों ने हजारों लोगों की जिंदगी में जहर भर रखा है, क्या उनसे लड़ने में मतलब नहीं होगा? हाँ जाकू, मतलब तो जरूर होगा। तो मेरे यार, मेरे साथ गांव चल। वहां हमारे घर है, जमीन है, ना किसी का लेना ना किसी कुछ देना। खेती करो, खाओ पियो और चैन की नींद सो जाओ। चलते हैं जाकू, लेकिन यहाँ अपने यारों का क्या होगा? वो भी तो हमारी तरह मकड़ी के जाल में फंसे हुए, उनको भी साथ क्यों ना ले ले? हाँ बिल्कुल सच है। 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 6। यार भगू और जीत तो शायद मान जाए, मगर वो लक्कड़ छाप मियां भाई सलीम मानेगा? हाँ यार, है तो वो भी लकीर का फकीर, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगर उसके भेजे में हम ये बात अच्छी तरह डाल सकें तो शायद वो भी मान जाए। यार सब मान जाए तो कितना अच्छा होगा, भटकी हुई जिंदगी रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक है, सब सालों को ईरानी के होटल में जमा करते हैं। तुम जाकर भगू को देखो, मैं सलीम और जीत को देखो। भगू, मैं जानता हूं तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? कैसी बात? तुम यही सोच रही थी ना कि मैं तुम्हें किसी गड़बड़ घोटाले के लिए यहाँ पे लाया हूं। लेकिन लेकिन तुम्हें वो दरवाजा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं? कोमल, जब मैं तुमसे 2 घंटे पहले मिला था तो मुझे ऐसे लगा जैसे 2 घंटे नहीं बल्कि 2 लाख घंटे पहले मिला था। मैं तुम्हारी खातिर जान दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे आंचल के साए में, भगू, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा और एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जॉर्ज वाशिंगटन की तरह। जॉर्ज वाशिंगटन? तुम्हें नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मगर मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी रोम रोम में बस गई हो कोमल। मैंने मन ही मन में तुम्हें अपनी अर्धांगिनी माना है और अपनी स्वर्ग माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लाया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और कहा था मेरी होने वाली बहू के गले में डाल देना, और ये भी कहा था जब तक मेरी बहू ये हार नहीं पहनेगी तब तक मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मुझे मेरी माँ की आत्मा तड़पती हुई नजर आ रही है। कहो तुम मेरी माँ की आत्मा की शांति दिलवाओगी? कहो तुम ये हार पहनोगी? हाँ हाँ पहनूंगी भग्गू। सच कोमल, तुम कितनी अच्छी हो कोमल। हम कल ही शादी करेंगे, मंदिर में जाके कल ही शादी करेंगे। कोमल तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो कोमल।
कौन है? कौन है बे? दरवाजा खोल बे। मैं हूं जग्गू। कहां मुसीबत आ गई? आता हूं। तू इस वक्त यहां क्या कर रहा है? तुझे खबर करने आया था, आधे घंटे के बाद ईरानी कोटल मीटिंग है। अच्छा, आ जाऊंगा। तू साले बाज नहीं आएगा। बाज जो ठहरा, चिड़िया अंदर है। कौन आया था? था एक मेरा दोस्त जगू, पता नहीं कहां से चले आते हैं। अब मैं चलूं? बहुत देर हो गई है। हाँ, देर तो बहुत होगी। तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान हो रही होगी। फिर कब मिलोगे? दो तीन दिन मैं जरा बिजी हूँ, मैं खुद ही चलाऊंगा। कल तो हमारी शादी होने वाली है ना? शादी? अरे हाँ, उसी का तो बंदोबस्त करना है पंडित, माँ के आशीर्वाद। हाँ तुम चलो चलो। अरे जाने से पहले एक बार मिल तो ले। पता नहीं तुम्हारे बगैर दो तीन दिन मैं कैसे गुजारूंगा। कुमार कुमार तुम कितनी अच्छी है। अब तुम चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी और अपनी माता जी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा कुमार, बाय बाय। शर्मा भाई एक बेटी और लाता हूँ। अच्छा अवाजीत, अब तू ही बता इस दारू के धंधे में क्या बुराई है। दिन में एक बार इधर का माल उधर और अपने 400-500 खाए। सलीम यार, ये 400-500 के धंधे की बात मेरी समझ से बाहर है। कोई बड़ा हाथ मारो, दो टाक खरीद लेंगे। वाह वाह वाह, तू मुझे इस धंधे से भी आउट कराने के चक्कर में हो। अवाजीत काय को बड़े बड़े व्यक्ति है यार, खुद का तो तूने 60,000 का ट्रक जब्त करवा दिया और धनी का माल अल्लाह के हवाले। मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम खुद अंदर जाते जाते बच गए। धंधे में आदमी अंदर बाहर तो आता जाता ही रहता है, फिर भी एक बड़ा हाथ लग जाए तो एक ट्रक खरीद लूं। रही बात पकड़े जाने की, तो जीप का ट्रक पकड़ने के लिए शेर का जिगरा चाहिए। भाई गुरु की कसम, गोली की तरह ट्रक चलाता हूँ। वो तो पुलिस वालों ने खड़ा ट्रक पकड़ लिया। चलो सलीम, 4 पेटी माल हो गया, फूट जाओ। अरे यार फूटने की कौन सी बात है, आज मेरा यार है मेरे साथ। अब हम लोग गांव में जाकर क्या करेंगे? वहां साले डाकू किसी दिन हम सबको भून के रख देंगे। खामखा अपनी मौत को दावत देने से क्या फायदा? यार अब्दुल, बहस जरा नरम पड़ रही है, दो दो डबल आमलेट और ला। सलीम मियां, मौत कोई दावत देने से नहीं आती, जब आती है बिन बुलाए आती है। और वैसे भी यहाँ हमारी जिंदगी खतरे से खाली नहीं। शायद गांव में रहकर हम लोग अपनी जिंदगी किसी काबिल बना सके, ऐसा सुनहरी मौका हम जैसे बदनाम लोगों की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है। इनकार करने से पहले जरा सोच लो। आप लोग एक बार गांव चल के तो देखें, गांव वाले आपकी ऐसी खातिर करेंगे कि आपका वहां से वापस आने को जी नहीं जाएगा। और फिर यार डाकू लोग फौज लेकर थोड़ी आएंगे, हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। चलो यार गांव चलें, देसी घी खाएंगे वहां। जगू, सलीम से कह दे कल से मेरे इलाके में दारू न बेचे, वहां मेरा धंधा चलता है। चलता होगा, लेकिन अब नहीं चलेगा। जरूर चलेगा। यहां झगड़ा मत कीजिए भाई। निशान देख,
साले गाड़ी क्यों रोक दी, पीछे ले चलो। वाह 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 क्या बात, अबे उल्लू की तुम फाख्ता, वापसी के लिए पेट्रोल नहीं चाहिए। चलो उतरो। वो तो पुलिस स्टेशन है, भागो यहां से। अरे बाप रे, मार गए। चलो भागो यहां से। अरे कहां साले, पीछे गए तो भी धर लिए जाएंगे। पीछे जाना मर्दों का काम नहीं, आगे चलो रामू के गाँव में। और ये खटारा, अरे इसे यहीं छोड़ो ना, पुलिस को ढूंढने में तकलीफ में। चलो लेकिन जाएंगे कैसे, बस से। लेकिन बस तो कल मिलेगी, रात यहीं कहीं गुजार लेते हैं, यहाँ से तो किसको फोगी दिखाया। रामू, तुम्हारे गांव में तो जाके साला बोर हो जाएंगे। जी हाँ यार, मेरा मतलब है कि हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या। आप लोग एक बार गांव चलते देखिए तो सही, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। अबे ये क्या कर रहा है, दारू पिला रहा है या दवाई? इससे तो मेरी मूंछ भी गीली नहीं होगी। अब जी धीरे धीरे यार। अरे पीवा ले आओ जी आपका। अबे देख क्या रहा है, जा एक बोतल शराब और ला। आ जा अभी ला। यार रामू,
तेरे गांव में गोरियां मिलती हैं? मिलती तो है, मिलती है, है। लेकिन लेकिन भाई साहब, सात फेरे लेने के बाद। फेरे? अरे फेरे तो मैं 10 लगा दूंगा, पर मेरी माँ की आत्मा का क्या होगा, भटकेगी। भाई साहब एक गिलास दूध मिलेगा? भैंस का रहा हूँ या बकरी का? बकरी का ले आइए। ओए, ये क्या 6 आदमियों के लिए 2 प्लेट चने? यहाँ कोई बीमार है जो नाप तोल कर लाते हो? अंडे लाओ। ऐसे लगता है जैसे कबूतरों के लिए चने आए हैं। ओए, ये क्या, सिर्फ 5 अंडे? अम्मा जी, यार तो सारा इतना खाता है, इतना खाता है, लेकिन तेरा भेजा अभी तक खाली। भेजे की ऐसी की तैसी, भेजे वाले तो आजकल सड़कों पे भजिया बेच रहे हैं। क्या भाई, झूठ बोलता हूँ क्या? अरे भाई, प्योर खोवा ले गया। चुप। चलो यार, हम भी अंडे खा लें, यहाँ और कुछ तो मिलने वाला है। वादा तूने तो मुझ पे किए हैं तो कोयल कहाँ घूम रही है? अपने कोठे पर, बाजू वाली गली में। बाजू वाली गली में? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो उठो। मैं काम में देर नहीं कर रहा यार, अभी मुझे पेट तो भर लेने दो। चलना यार, वहीं चल के खा लेना। चल के खा लेना। पड़ी रहो राजा मैं कोरे पांव। अंडे वाले को भी दे देना। प्यारी प्यारी ओए सूरत वाली, हम प्यारी प्यारी शानी।
ये रहा तुम्हारा इनाम। ये तो बापू का है, तुम्हें कहां से मिला? होगा तेरे बापू का, अब ये रानी का है। तू डालने का इंतजाम जानते हो? इसे मत मारो। रानी हट जाओ। अगर तुम गोली चलाओगे तो पुलिस को खबर हो जाएगी। मैं कहता हूँ हट जाओ, हट जाओ। देखिए, ये मेरा भाई है, बच्चा है, नादान है, इसे छोड़ दीजिए, मैं इसकी तरफ से माफी मांगूंगा। हट जाओ। आपके पांव पड़ता हूँ, भगवान के लिए इसे माफ कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, ये बच्चा है, नादान है, बिल्कुल बेवकूफ है। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग ये इलाका हमेशा तक छोड़ के चले जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मान जाइए मेरे बाप, भगवान के समक्ष आपसे हम सब माफी मांगते हैं। हट जाओ। मैं कहता हूँ हट जाओ, वरना इस गांव के कुत्तों के साथ तुम लोगों की भी वही हालत होगी जंगानित के बाप के साथ की। हमने सुना है आप लोग दया धर्म वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। क्यों भाइयों, क्या आप लोग हमें अब भी माफ नहीं करेंगे? बात माफ करने की नहीं, तुम्हारी गलती भाई जी। तुम लोगों ने मेरे चाचा का खून किया था। अगर ये सारे डाकू हैं तो पुलिस का इनामी के सर पर लोग हैं। पुलिस के हवाले कर दो, सब जाएगा। तुम इन्हें भी छोड़ दो, अगर जंगा को मालूम हो गया तो तुम्हें जान का दुश्मन बन जाएगा। जंगा को भी देख लेंगे, क्या करने का वो है। तो नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग नहीं थे मालूम? बोलो तुम, जवाब क्यों नहीं देते? तुमने उस आदमी को जाने क्यों दिया? मुझे तो ये भी डाकू लगता है। नहीं नहीं, ये डाकू नहीं है जग्गू, ये तो वही आदमी जो बापू की मौत के बाद आया था। लेकिन तुम हो कौन? मैं कौन हूँ क्या हूँ ये जाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर यह है कि तुम दिलावर को पुलिस के हवाले कर दो, और इसके साथ जो 20,000 रुपए का इनाम है। दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। कसूर डाकू इंस्पेक्टर साहब, ये है जंगा का भाई और उसके कुछ साथी। कांस्टेबल अरेस्ट कर लो इन्हें। इन डाकुओं का हमें इनाम कब मिलेगा? आप अपना नाम और पता थाने में लिखवा दीजिए, थोड़े दिनों बाद मिल जाएगा। चलिए आप भी चलिए, हमारे पास रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। जग्गा सरदार, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं चौधरी, अब तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, सच सच बताओ, दौलतपुर का खजाना कहाँ छुपा है? मुझे कुछ नहीं मालूम। देखता नहीं कि हम एक मेहमान से बात कर रहे हैं? हाँ, तो क्या कह रहे हैं दत्त चौधरी? मैं सच कह रहा हूँ सरदार, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, अभी मालूम हो जाएगा। चौधरी, तुम्हें अपने बीवी बच्चों से भी प्यार नहीं है? नहीं, 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 कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या मालूम है? कुछ नहीं। कहां से? सरदार, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके पांव प्रणाम करता हूं। ऐसा मत कीजिए, आप मेरा नाम कीजिए। मैं आपके पांव प्रणाम करता हूं। मेरे बीवी बच्चों। चौधरी, इस धुन के बंद होने से पहले बता दो, वरना को माफ कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैं आपके पांव को शेरा बालू सिंह, अब बताओ क्या बक रहे थे? सरदार, दिलावर सिंह। क्या हुआ दिलावर सिंह? दिलावर सिंह को रानी के कोठे पर पुलिस ने पकड़ लिया।
और वापस आ गए। आप? वो डाकू बचकर निकल गया। अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं। तिलावर यहां पकड़ा गया था, जंगा तुम पर जरूर शक करेगा, इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम यहां से कुछ दिनों के लिए चली जाओ। शुक्रिया, चली जाऊंगी, लेकिन कहां? जी, ये चार दीवारी ही मेरी दुनिया है, इसे छोड़कर कहां जाऊंगी? मैं खुद एक मुद्दत से बगैर दरो दीवार अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, आपके सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? इतने जमाने से आप यहां आ रहे हैं और मैं आपका नाम तक नहीं जानती। जिनका घर बार नहीं होता उनका नाम भी नहीं होता, जैसे कि तुम्हारा नाम रानी होते हुए भी रानी नहीं है, पारो है। ये आपसे किसने कहा? जब मुझे किसी से दिलचस्पी हो जाती है तो उसका आता पता खुद निकाल लेता हूं। मुझ में आपको दिलचस्पी? मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। चौधरी रामदीन की इकलौती बेटी पारू के सामने शायद मैं खुद को इस काबिल न समझूं। तुम्हारे बाबा चौधरी साहब और मेरे बाबा गहरे दोस्त थे, इन दोनों के समझाने पर सारे इलाके के डाकू अपने हथियार डालने पर राजी हो गए। जंगा उनमें से एक था जो सर्वोदय को ढोंग समझता था और वो बागी हो गया। उसके बाद इस दरिंदे ने ऐन वक्त पर सारे डाकुओं के साथ तुम्हारे बाबा को मशीन गन की गोलियों से भून डाला। तुम्हारे खानदान का सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम किसी तरह बच के निकल गई और न जाने कहां खो गई। न जाने कहां खो गई थी। काफी अरसे तक मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, कहां हूं, यहां तक कैसे पहुंची। और जब एहसास हुआ देर हो चुकी थी, बहुत देर। मैंने कोशिश की कि कोई अपना मिल जाए मगर नाकाम रही। दोबारा फिर यही वापस आना पड़ा। यहां ना कोई अपना है ना पराया, रुपया ही सब कुछ है, भगवान भी वही है, खुदा भी वही है, मां बाप भी वही। मैं अकेली हूं, बहुत अकेली। खैर, आपके बाबा कहाँ हैं? उन्हीं दिनों की बात है जब मैं 10 साल का था। पापा! पापा! क्या हुआ बेटे? पापा, बिजली। चच का बेटा और डरपोक। बाबा, मुझे बिजली से डर लगता है। बेटा, जब तुम जानते हो कि वो बिजली है तो डरते क्यों? देखो, हमने तुम्हें जिंदगी का एक राज बताया था ना। कौन सा बाबा? जीवन में सुधरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। जीवन में सुधरना नहीं, नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं।
कदम धरना नहीं। जंगा? जी हाँ जंगा। जेल से भाग आए हो? भागते बुजदिल हैं जज साहब, मैं जेल तोड़कर आया आपको दिया हुआ वचन पूरा करने, आपसे अपना हिसाब चुकाने। हिसाब तुम्हें मुझसे नहीं अपनी आत्मा से चुकाना है। कानून ने तुम्हारे जुर्मों की तुम्हें माकूल सजा दी है, फिर भी मैं समझता हूं तुम्हारे जैसे दरिंदे को सही सजा भगवान की अदालत में मिलेगी। भगवान की अदालत में आप जैसे इंसाफ पसंद जज की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं खुद वहां पहुंचने से पहले आपको वहां पहुंचाने आया हूं। जज साहब, सरकार ने आपको ये नायाब घड़ी आपकी ईमानदारी और वफादारी के लिए इनाम दी है ना, आज मैं भी आपके हाथ को इनाम देना चाहता हूं जिसने मेरे फांसी के हुक्मनामे पर यही है ना आपका हाथ। मैं इसीलिए यहां अक्सर आता रहता हूं ताकि दिलावर के जरिए जंगा तक पहुंच सकूं और उससे बदला ले सकूं, लेकिन यह जंगा की खुशकिस्मती है कि वो आज फिर उन लड़कों की वजह से बच गया। खैर रात बहुत हो चुकी है, अब मैं चलता हूं। फिर कब आइएगा? जब मुखद्दर ले आए। अपनी मर्जी से नहीं आएंगे? मेरी मर्जी ही मेरा मुखद्दर है। तुम जंगा और उसके साथियों से होशियार रहना। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। भैया ये हमारा छोटा सा गांव है, कैसा लगा आपको? आज मैं पक्का के बाद काम आ गया। अरे काका कैसे हो? ठीक हो राम बेटे? हां ठीक हूं बिल्कुल। भैया भैया ये हमारा छोटा सा घर है। राम 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 कृष्णा जी, राम राम कालू कहो रामू कब आए? बस अभी अभी आ रहा हूं। ये है जग्गू भैया। हाँ। राम राम। आप कहते थे ना मैंने शहर से वापस ही ला सकता, देखिए ले आया। अच्छा किया अच्छा किया। ये हमारे दोस्त है, वो है डैनी। हाय हाय हाय। रामू इनके पेट में दर्द है? नहीं नहीं नहीं, शहर में राम राम को हाय हाय कहते हैं। राम राम को हाय 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 हाय। ये है जीत पापा। की हालत ठोक दिया। हाय हाय। ये है सलीम। कैसे हो? बिंदास। इनका मतलब है बिल्कुल ठीक ठाक है शहर की भाषा। ये है भग्गू। हाय 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 हाय। कालू चाचा और चौधरी साहब से कह देना हम लोग आ गए हैं, चले हम लोग। अच्छा क्या देखो बेटे? चाचा तुम्हारे मुंह में क्या है? बोली खट्टी मीठी खाओगे? चलो सबको बांट देना, सबको देना। अब जाओ। बेटे यहां तेरे लॉकेट का चक्कर नहीं चलेगा। जगू मेरी माँ की आखिरी निशानी, उसकी आत्मा का क्या होगा? तेरी माँ की आत्मा सिर्फ शहर में भटकती है, गांव में नहीं, समझे? अब चल यहाँ से। बेटा तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया जो गांव चले आए, आजकल तो हमारे गांव के लड़कों को बैर होता जा रहा है अपने गांव की मट्टी से। सब गांव छोड़कर शहर की तरफ भागे जा रहे हैं। कहाँ कौन आता था, वो तो पीछे पुलिस लगी हुई थी। जी हाँ, पुलिस पुलिस वालों ने डाकुओं पकड़ने का ऐलान किया है ना, यही सुनकर गया है। फिर तो ये बेकार है। अजी पिछली बार जब हमला हुआ तो मैं शहर गया हुआ था, वरना मेरे होते डाकुओं की क्या मजाल के गांव में घुस भी जाए। ए भाड़ो ऐसी क्या खास बात है तेरे में? ये साला पतले पतले हाथ, ये मोटा पेट चेंज कर कर एक क्या फेंक कर साला नेपोलियन मिला फेंकने के लिए, साला नेपोलियन बड़ा पड़ा। चौधरी तुम भी नकली दांत लगा के हंस रहे हो? अरे हंसने मुद्दा तो बात तो हंसा हूँ किशन लाल। मुद्दा तो बात क्यों चौधरी साहब? क्या बताऊं, मेरा एक ही बेटा था, लड़ाई पर क्या गया ये वापस लौट कर ही नहीं आया, बहू की मांग का सिंदूर उजड़ गया और मेरा बच्ची यतीम हो गया। जाने दीजिए चौधरी साहब, बच्चे के सामने ऐसी बातें मत कीजिए।
दादाजी ये दिन क्या होता है? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ और दादी इंतजार कर रही होगी। जाओ। बड़ा प्यारा बच्चा। कुछ ज्यादा ही पीली थी, अब तक सर में दर्द हो रहा है। तेरे गांव में अनासिन मिल जाएगी क्या? अनासिन? हाँ यार, वो सर दर्द हटाने की दवा शायद बैद जी के पास हो, लेकिन सर दर्द के लिए तो छाछ बहुत अच्छी चीज। बैद जी कहते हैं 100 बीमारियों की एक दवा है छाछ। तो छाछ ही पी लेंगे यार। अरे कन्हैया लाल जी, एक बाल्टी पानी देना। अबे तुम लोग अभी जागे हो क्या? अबे चक्कू कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? जिसके पास एक दिन सबको जाना है उसी के दर्शन के लिए। अबे साले ये नई बीमारी कब से खरीद ली? छाछ पीली होती रामू कहता है 100 बीमारियों की एक दवा है छाछ। वो वहाँ क्या हो रहा है? क्यों भीड़ जमा है वहाँ पर? अरे ये तो शांति भाभी का घर है, उनको बच्चा पैदा होने वाला था, जरूर कोई गड़बड़ होगी। आओ देखें। हे भगवान, शांति नहीं बच सकती, मेरी बहन नहीं बच सकती। पिताजी दाई माँ कह रही है आप उनसे कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन के सिवा शांति बहन का बचना बहुत मुश्किल है। अब तो शहर से डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। क्या कोई गाड़ी वाली नहीं है? बेटा सुबह 8 बजे एक बस आती है और आगे चली जाती है, फिर वही बस शाम को लौट कर शहर चली जाती है। पिताजी कुछ भी कीजिए मगर डॉक्टर का आना बहुत जरूरी है। टाइम कितना? 7:45। आप फिक्र नहीं कीजिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। रामू तू डनी और सलीम को लेकर बस अड्डे पे आ जा। चल बाबू। ड्राइवर साहब एक औरत की जान खतरे में है, शहर से डॉक्टर लाना है, ये बस शहर ले चलेंगे। क्यों, ये बस तुम्हारे बाप की है? बाप का नाम है तुम्हें? बाप बस की है और बाप को बीच में लाने की क्या जरूरत है? अब हमें छोड़ दो इसे। बात छोड़ने की नहीं, बाप को बीच में क्या लाया? जीत पापे, अब तो बेचारे का खून भी निकल रहा है। बात खून की नहीं, ये बाप को बीच में क्या लाया? और बेचारा मर जाएगा। बात मरने की नहीं, ये बाप को बीच में क्या लाया? बैठो बस में, मैं चलाता हूँ। बैठो। हाय एवरीबॉडी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शहर में अकेली रह गई थी ना। वापस चल जाओ, गांव में तुम नहीं रह पाओगी, समझी? क्यों? देखो रीटा, यार डनी तुम इस बात में पड़ लेना, तब देरी हो रही, चलो बस बैठो। रामू तुमने खा ले जाओ। मैं डॉक्टर साहब सुनिए, एक औरत की जान खतरे में है और दाइमा कहना है कि आप उसे बचा सकते हैं, आप हमारे साथ गांव चलिए। अगर वो इतनी बीमार थी तो बस में क्यों नहीं लाए? आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चाई को मान भी तो नहीं रहे डॉक्टर। चलिए डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? रास्ता भी तो नहीं है, आप चलिए। क्या गुंडे जबरदस्ती डॉक्टर को एसटी की बस में ले गए हैं? डोंट वरी, जोग ले। अमाजी तुझे पुलिस।
बेटा हुआ है, माँ और बेटा दोनों ठीक। हमारा भी और बिरजू का भी। हाँ भाई हाँ, शांति के भाई होने का अपनी ने अदा किया है। सही मानो में बच्चे के मामा तो यही है। अरे लड्डू नहीं तो फूल ही दिया। देखो तो मामा तो ही लगता है। बात होने दे, बच्चू बताता हूँ असली मामा। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई यार चलो खेतों में भी चल रहा है, चलो मामा। चलो भैया चलो। भैया भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अपनी जमीन है। लगता है साला साल से इसकी सिंचाई नहीं हुई। बाबू को सूद खाने से फुर्सत मिलती तब ना। तू फिक्र ना कर रामू, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। यार ये मिट्टी तो सोना लगती है। और तू तो मनोज कुमार की तरह बातें करता है। क्यों भगू क्या कहता है वो? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बात करने दो यार, मुझे इसकी बाउंड्रियां दिखाओ कहाँ तक है। लगता है ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा। चलिए तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारी परी बहने के लिए। रीटा शादी से पहले हम दोनों का इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं है। कब होगी हमारी शादी? तुम समझते क्यों नहीं हो? जब तक मैं अपने आप को किसी काबिल न बना लूं, घर गृहस्थी के बारे में सोच भी नहीं सकता। डैनी, एक बीवी अपने पति पर बोझ नहीं होती, सहारा होती है। रीटा मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसे मैं हम अपना घर कह सकें। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम लोग यहाँ जगू की सहायता के लिए आए, उस पर बोझ बनने नहीं। मैं शहर से अपने साथ कुछ पैसे लाई हूँ। तुम कहो तो एक मकान खरीद लो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना रीटा? जुर्म के साये में जीने वालों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता। प्यार इंसान का पैदाशी हक होता है और उसकी हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है। कौन सी फिल्म की डायलॉग बोल रही हो? अपनी फिल्म के। मैं यहाँ अपना हक जमाने आई हूँ। सुना है गाँव की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है। मुझे डरता कोई गाँव की लड़की तुम्हें मुझसे चुरा न ले। गाँव की लड़कियाँ प्यार करने में बहुत होशियार होती हैं, मैंने फिल्मों में देखा है। और क्या क्या देखा? छोड़ इन बातों को, एक बार तो कह दो कि तुम इससे प्यार करते हो। हर चीज मौका देखकर की जाती है रीता। ठीक है, एक ना एक दिन मैं तुमसे कहलवा के रहूंगी। चलो भाई लाठी बंद करो, आओ इधर। चलो चौधरी साहब, हम अच्छी तरह से जानते हैं इन लड़कों ने जो कुछ भी किया है इस गांव की बेटी और उसके बेटे की जान बचाने की खातिर किया है। लेकिन जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है उसे मैं जुर्म के सिवा और कुछ नहीं कह सकता। माई बाप, कानून का अर्थ सजा देना ही नहीं, सुधार भी है। ये लड़के शहर से आए हैं अपना जीवन सुधारने के लिए। क्या आप इन्हें जेल भेजकर हमेशा के लिए मुजरिम बना देना चाहते हैं माई बाप? कानून कानून है। हमारे लिए तो आप ही कानून है माई बाप। शांति और बच्चे की बात छोड़िए, दिलावर सिंह को पकड़वा कर इन्होंने सिर्फ इस गाँव की नहीं आसपास के बीसियों गांवों की बहू बेटियों की इज्जत बचाई। आप एक तरफ इन्हें हार पहनाकर इनाम देंगे और दूसरी तरफ हथकड़ी पहनाकर जेल भेज देंगे, क्या न्याय अपने साथ ही अन्याय करेगा? मैं मजबूर हूं चौधरी साहब, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। एसपी साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि उन लड़कों का अरेस्ट मत कीजिए। ये आप कह रहे हैं डॉक्टर? जो लड़के चाकू दिखाकर आपको यहाँ उठा लाए हैं और आप? और अगर वही डॉक्टर यह बयान दे कि उसको उन लड़कों से कोई शिकायत नहीं तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? वेल डॉक्टर, यहाँ लाकर उन्होंने जिंदगी का एक नया सबक सिखाया है और मैं महसूस करने लगा हूँ कि हमारी सिर्फ शहरों में नहीं गाँव में भी सख्त जरूरत है। एसपी साहब, शहर के झूठे ख्वाब देख सुनकर यहाँ के नौजवान शहरों में जा रहे हैं। यहाँ खेतियाँ वीरान हो रही हैं, वहाँ गंदी बस्तियाँ बढ़ रही हैं और बेकारी बढ़ रही है। माई बाप, जहाँ बेकारी बढ़ती है वहाँ जुर्म भी बढ़ते हैं। जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इन नेक नियत नौजवानों ने शहर से गांव की तरफ रुख किया है हुजूर। आपको इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए सरकार, इन्होंने गलती जरूर की है लेकिन सोचिए तो इनके इरादे कितने महान थे। गरीब होगा माई बाप, एक बार इन्हें भला बनने का मौका दीजिए। अच्छी बात है, अगर आप सब लोग उन लड़कों की नेक चलने की जमानत देते हैं तो हम उनको गिरफ्तार नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखो, आइंदा इन लड़कों में से किसी ने भी अगर कोई गैर कानूनी हरकत की तो इसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। हमें मंजूर है। हमें मंजूर। राम 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 राम। जय हिंद सर, जय हिंद। यू बुड्ढा खूंसट,
इन सब लड़कों को गांव में रखकर क्यों गांव वालों की जान खतरे में झोंक रहे हो? दिलावर के पकड़े जाने के बाद चंदा हम सब से गिन गिन कर बदले लेगा, सारे गांव को खून में रंग देगा। मैं कहता हूँ चौधरी, निकाल बाहर करो इन सुसरों को, वरना। अरे रहने दे रहने दे किशनलाल, क्यों अपना भांडा फोड़वाना चाहता है? अबे कौन सा भांडा? ठहर जा तो फोड़ ही देता हूँ। मोर्चे से चूहे की तरह भाग निकलने पर तो फौज से निकाला गया, यहाँ क्यों बुजदिली दिखाता है? कौन गधा कहता कि मैं फौज से निकाला गया था, मैं तो खुद भाग के आया था। हसलो हसलो, जब जंगा तुम्हारा बाप गांव पर हमला करेगा तब तुम सबको मालूम पड़ेगा कि मेरी कदर क्या थी। आज पुलिस हमारी तलाश में आई थी, शहर में आती तो जरूर ससुराल ले जाती। यार ये तो चौधरी साहब की मेहरबानी है। चौधरी साहब ने आप लोगों की जिम्मेदारी ली है। अब काहे की जिम्मेदारी ली है? हम किसी का रहमो करम पर जिंदा नहीं रहना चाहते। अब जी अभी भी शहर चले चलो और दिलावर को पकड़वाने के 20,000 रुपए वसूल करके और धंधा बनना शुरू करेंगे। क्यों बाबू? करेक्ट, सलीम हमेशा पते की बात करता है। यहाँ रखा ही क्या है? लगता है मुझे तुम दोनों की पिटाई करनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से देसी घी खाने को मिला है और तुम फिर मुझे डांडे के डब्बों में सेड़ना चाहते हो? लाना था जीत दिया। जिंदगी में खाने पीने के सिवा और भी चीजें होती हैं। हाँ हाँ, मसलन दारू की भट्टी, झोपड़पट्टी, पुलिस की मार और डॉक्टरों की पट्टी। वाह वाह, कभी इंसानों से पाला पड़ा हो तो मालूम पड़े कि इंसानियत क्या चीज होती है। आज तक तो किसी ने हमसे हमदर्दी नहीं की, और सच तो यह है कि हम किसी की हमदर्दी के लायक नहीं है। अबे वो नालायक, तुम अपने साथ हमें क्यों घसीटना चाहते हो? अबे वो लायक अली, कभी तो अकल की बात कर। क्या जिंदगी थी हमारे शहर में? ना घर ना बार, दुनिया भर का उधार, चारों तरफ चोरी, गद्दारी, खुदगर्जी और नफरत। इसीलिए कल तक हमने भी यही सब सीखा। गांव वालों के प्यार ने हमें पहली बार अपनी निष्ठा का एहसास दिलाया और भला बनने का मौका दिया। यार भला बन के कौन सा तीर मार लोगे? तुमको चलना तो चलो वरना मैं जाता हूँ। जाता है तो जा साले, तुझे रोकता कौन है? ये तू कह रहा है? हाँ। तू नहीं जाएगा? नहीं। छोड़ यार, तू चलेगा? बिल्कुल नहीं। तू चलेगा? नहीं। तो ठीक है, सालो रोको तो सही। आजा आजा रामो, साले रोकते भी नहीं। भूख रही हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, चल के मेरी चारपाई कस दे। दिन भर क्या करती है, मक्खियाँ मारती रहती है। मुझे दूध उबलने वाला है, मैं अभी आती हूँ। खबरदार, से मुझे माँ कहा, मुझे दगा लगाती है। अरे उंगलियाँ जल गई, तू तो नहीं मर गई? ये उबलता हुआ दूध अपने ऊपर डाल ले, मर जा तो मेरी जान छूटे। दादी माँ, अरे दादी माँ से बच्चे जाके सो जा, दिन भर अपनी माँ के मुंह में घुसा रहता है। याद रख, एक तुझ पर गरम तेल डाल के भसम न कर दिया तो मेरा नाम दुर्गा नहीं। अरे अब मुँह क्या देख रही है, चल मेरे साथ चार भाई भी चल। हराम खोर, खाने को एक से खींचने को अस्सी। अभी तक सोया नहीं? दूध बहुत गर्म था माँ। हाँ। क्यों उंगली दुखती है माँ? नहीं बेटे, जिनका जीवन जल जाता है उन पर कोई आकर्ष नहीं करता। अब सो जा, बहुत दर्द, सो जा। माँ तुम कहती थी ना मेरे बापू के नीचे थी। हाँ बेटे। बड़ी बड़ी आंखें थी। हाँ। मेरे बापू बहुत बहादुर थे ना? हाँ बेटे। मुझे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ बेटे, बहुत प्यार करते थे। जब वो चाचा थे ना?
सुना है कि साथ घर तो डायन भी छोड़ देती है, मगर तुमसे वो भी नहीं हो सका। क्या मतलब? मतलब ये कि मर्द का बच्चा जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता। डायन, हम बुरों के लिए बुरे हैं, भलों के लिए नहीं। गांव वालों की भलाई का जवाब हम बुराई से नहीं देंगे। किस उल्लू के पट्ठे ने भलाई का जवाब बुराई से दिया है? तुम मंदिर क्यों जाते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो लड़की विधवा है? विधवा है तो क्या हुआ? अगर गांव वालों ने तुम्हें उसके साथ बात करते हुए देख लिया तो? मैंने कोई नाजायज हरकत नहीं की उसके साथ, और अगर मुझे उससे प्यार भी हो जाता उसमें हर्ज क्या है? हर्ज यह है कि किसी विधवा को गांव का समाज यह अधिकार नहीं देता। बात करना तो दूर रहा, उसके लिए किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर देखना पाप समझा जाएगा। ये जुल्म है, अन्याय है। इतनी कम उम्र में अगर वो बेचारी विधवा हो गई तो उसका क्या दोष है? क्या विधवा इंसान नहीं होती? क्या उसका दिल नहीं, तमन्ना नहीं, हसद नहीं? वो सब उसकी पति के लाश के साथ चिता में जलकर राख हो चुकी है। नहीं डैनी, नहीं। अरमान दबाए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, लेकिन लेकिन जलाए नहीं जा सकते। डैनी, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, और अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह पैदा हो जाए तो मैं सारी दुनिया की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर सकता हूं। तुम कर सकते हो, लेकिन क्या वो कर सकती है? क्या गांव इजाजत देगा? चकू, तुम गांव की मिट्टी में शहर की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। अगर तुम उसकी भलाई चाहते हो और वो तुम्हें पसंद है तो दिल की बात कभी ज़बान पर मत लाना। सरदार, सरदार, दिलावर को कल छोटी जेल से बड़ी जेल में तब्दील किया जा रहा है, और दिलावर के साथ साथ दो हथियार बंद पुलिस जीपें भी, और सुपरिटेंडेंट ने हुक्म दिया है कि कोई भी आदमी दिलावर को बचाने की कोशिश करे या पुलिस पे हमला करे तो दिलावर को वहीं के वहीं खत्म कर दो। दिलावर और जंगा को खत्म करने के लिए आज तक सरकार ने कोई गोली नहीं बनाई है, समझे? दोनों दिलावर का ख्याल रखो और बाकी सब मेरे पीछे आओ। तकलीफ तो नहीं हुई कोई? मारे होते हो भैया?
नहीं बताएगी, मेरा तो बाप भी बताएगा। राम दादी बता बता, बोल वो तेरे छह यार कहाँ रहते हैं? दिलावर को गिरफ्तार करवा के पुलिस से इनाम लेना चाहती थी। बंदूक के नीचे रख दो, हिलने की कोशिश की तो यहीं ढेर कर दूंगा। मेरा घोड़ा लेकर तूर गांव चली जाना, वो लड़के तुम्हें वहीं मिलेंगे, उन्हें आगाह कर देना कि जंगा उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। जाओ जाओ। कमीने, आज फिर तेरी मौत तुझे मेरे सामने ले आई, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तू एक ही आदमी है जो मेरी जंगा के ठिकाने के पे ले आ सकता है। बोल जंगा कहां है, बोल जंगा का ठिकाना कहां है। लेकिन तुम्हारी जंगा के साथ दुश्मनी क्या है? दिलावर, उन लड़कों का कुछ पता चला? वो पांचों थूर गांव में है। थूर गांव? हाँ, लेकिन एक काले कपड़ों वाला छोटा और भी पैदा हो गया भैया, वो रानी को जबरदस्ती मुझसे छुड़वा के ले गया और हमारे दो साथी भी मारे गए। और तुम बुजदिलों की तरह यहाँ भाग आए। दिलावर, बार बार तुम ऐसी हरकतें करते हो कि तुम्हें अपना भाई कहते हुए हमें शर्म आती है। उसने अचानक हमला कर दिया था भैया और कह रहा था जंगा से मुझे अपना हिसाब चुकाना है। हिसाब? सरकारी इनाम के पीछे भागने वालों में से कोई लालची कुत्ता होगा, उसे तो हम बाद में समझ लेंगे, पहले तो उन पांचों से हमें हिसाब चुकाना है। जाओ थूर गांव पर हमला करने की तैयारी करो। मुझे उस आदमी ने यहाँ भेजा है जिसने दिलावर को पकड़वाने में आप लोगों की मदद की थी। वो कौन है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन उसने आप लोगों को शहर कर देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। जंगा अपने भाई को आजाद करवा चुका है, अब वो आप लोगों की जान का दुश्मन है। ये भी हो सकता है कि हमारा भेज जानने के लिए जंगा नहीं तुम्हें यहाँ भेजा हो। जरूर ऐसा ही होगा, एक तवायफ दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगे। मुझे भी ये औरत बंडल मालूम होती है। दिखाऊं उन कोड़ों के निशान जिससे देखकर तसल्ली हो सके आपको। रीटा, इन्हें अंदर ले जाओ और इनकी देखभाल करो। अरे ये तो चंदनपुर की तवायफ है। हाँ। तो तुम्हें कैसे मालूम? नियत भी गिरी है तो कहा, एक तवायफ से इतनी हमदर्दी? अमा, एक तवायफ को हमसे हमदर्दी हो सकती है तो हमें भी होनी चाहिए। वो पहले इंसान है और बाद में तवायफ, समझे? कौन है तुम? मैंने तुम्हारा नाम पूछा है।
डाकू आ गए। भैया गांव में डाकू आ रहे हैं। डाकू रामू 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 बंदूक लेके तू चल सलीम चल चल। जंगा हार गया। दरवाजा खोलो। अरे उस उल्लू के पट्टे की छुट्टी कर दी, वो हार गया, हम जीत गए, वो हार गया, हरा दिया। पता है जंगा अब इस गांव में वापस नहीं आएगा। सुनिए रामू, सब ठीक है ना? कमाल है, मैं आधे घंटे से गला फाड़ कर थक गया और तुम पूछो सब ठीक है ना। अरे जंगा दम दबाकर भाग गया। वो कैसे? वो कौन? अच्छा वो बेनाम फरिश्ता। अरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ गया, क्योंकि वो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है, जैसे अब मैं जाने वाला हूँ। बिन बुलाए मेहमान है, इजाजत हो तो दोस्ती का हाथ लेकर आगे बढ़े। आज हम तुम्हें जंगा का जासूस समझ बैठे थे, इसीलिए हमें तुम पर गोली चलानी पड़ी। और अब हमें मालूम हो गया है कि तुम जंगा के आदमी नहीं हो, बल्कि उस वक्त हमारी मदद कर रहे थे। मैंने किसी की मदद नहीं की। तो फिर जंगा का मुकाबला करने में हमारा साथ क्यों दिया तुमने? मुझे जंगा चाहिए था इसलिए। क्यों? तुम्हें जंगा क्यों चाहिए? अगर तुम्हारा मकसद भी जंगा खत्म करना है तो हमसे क्यों नहीं मिल जाते? मैं सहारा देता हूं, लेता नहीं। आज तुम लोगों की किस्मत थी जो तुम बच गए, वरना जंगा तुम्हें भून कर रख देता। होशियार रहना, अगली बार वो दुगनी तैयारी करके आएगा। क्या हम जंगा को गांव में दाखिल होने से रोक नहीं सकते? तुम 5-7 आदमी उस दरिंदे का मुकाबला करोगे? 5-7 क्यों, सारा गांव हमारा साथ देगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेमत है इंसानियत, और सबसे बड़ी लानत फूट। इसी फूट की वजह से रामू के बाप को जंगा ने 100 आदमियों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला, और वो सब देखते रहे। अगर एक एक भी पत्थर उठाकर मारते तो जंगा और उसके साथियों का भागना मुश्किल हो जाता। ये वही लोग हैं जब मुल्क पर हमला होता है तो कहते हैं फौज है,
शहर में बदमाशियां और गांव में डकैतियां पड़ती हैं तो कहते हैं पुलिस है। मुल्क की जान से ज्यादा अपनी जान को अजीज समझने वाले लोग तुम्हारा साथ क्या देंगे? वो किसी ना किसी बहाने तुम्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। हम ये गांव छोड़ने के लिए नहीं, यहां रहने के लिए आए हैं। ये गांव अब हमारा घर है और उसकी हिफाजत के लिए हम डाकुओं का मुकाबला करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। सुनो, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जंगा मेरा शिकार है और मैं किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। कोई पुराना हिसाब है क्या? ठीक है। एक बात और, हर चीज जो अंधेरे में रहती है काली नहीं होती। औरत तवायफ विचारों से बनती है, पेशे से नहीं। मेरा मतलब रानी से है। उसकी परेशानियों की वजह तुम लोग हो, तुम लोगों की वजह से डाकू उसके दुश्मन बने। अब वो इस गांव की जिम्मेदारी है और तुम लोगों की मेहमान। मेरा एक बहादुर साथी हमेशा के लिए चला गया, छह और जख्मी हैं, और तुम कहते हो कि गांव के आसपास तक कोई पुलिस नहीं है। हाँ सरदार, हमने काफी जांच पड़ताल की है, ये काम पुलिस का नहीं है। तो फिर किसका? उन बुजदिल गांव वालों का, जो जंगा के घोड़े की टापों की आवाज सुनकर खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिया करते थे, आज उनकी ये हिम्मत हो गई है। सोच लो, हमारी तैयारियों की खबर सुनते ही जंगा सारे गांव में आग लगा देगा। चौधरी, हम लोग जंगा को गांव में आने से रोक सकते हैं। वो कैसे? हम अपने गांव में किलाबंदी कर देंगे। गांव में कुछ तो गलियां हैं, हर गली में बांस के फाटक बना देंगे और एक घर से दूसरे घर तक हम रस्सी के जाल बिछा देंगे और अपने सब गांव वालों को अपने बचाव की ट्रेनिंग देंगे। बांस के फाटकों से डाकुओं को रोक रहे हैं। बांस के फाटकों से कुत्ते बिल्लियों को रोका जा सकता है, जंगा डाकू को नहीं। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन वर्ल्ड वॉर सेकंड में मेरे साथ आई। बर्मा के एक गांव में मैं अकेला एक तरफ और 5,000 दुश्मन एक तरफ। और मैंने फिर जो प्लानिंग किया, या तो तारीख बताएगी या फिर तुम कहो तो मैं बताऊं। रहने दो किशन लाल, रहने दो। जगो, हमारे पास सिर्फ 4 बंदूकें हैं और थोड़े से कारतूस। जंगा ने जिस दिन चाहा हमें भून के रख देगा। मैं और भग्गू शहर जाकर कारतूस ले आएंगे, अगर हो सका तो 2-4 बंदूकें ले आऊं। दिलावर को पकड़वाने का पैसा किस दिन काम आएगा? और जहां तक लाइसेंस से सवाल है, मैं दिला देता हूं। हां, अब तो लाट साहब है ना, लाइसेंस भी आप जारी करेंगे। मैं कहता हूं चौधरी, इन लड़कों की बातों में मत आओ। रहने दो तो रहने दो सही, मगर इतना याद रखना, ये लड़के गांव को बर्बाद करके जाएंगे, गांव का मॉरल खराब करके जाएंगे, गांव को तवायफों का अड्डा बना के। जाता हूं। वो तो बेटा बलबल करता ही रहता है, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही होगा। ओ, खाने वाने की तुम लोग चिंता ना करना, और हम सब मिलकर अपने अपने घरों से भेज दिया करेंगे। जी ठीक है, हम लोग कल से ही काम शुरू करेंगे। ना तो यही कहीं का था। वो देखो वो रहा। चल बाबू, जाने केले अच्छे। तू यहाँ केले खरीदने नहीं, कारतूस खरीदने आया। अरे यार, कारतूस तू ले दे, मैं जरा केले ले लेता हूँ। छोड़ो यार, चलो। तेरी कसम, बहुत दिनों से केले नहीं खाए, तू बस स्टॉप पे चल, मैं अभी आया। पर जाने जालिम, भागो, तू कभी सुधरेगा नहीं यार। केले तो अच्छे हैं, कैसे दिए हैं? आपको पसंद है तो भाव दाव की क्या जरूरत है, जो चाहो जो दे देना। हंसी तो फंसी। आजा भाई, देख भाई, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, बड़ा बड़ा सेठ लोग अटे हुए, मैं तन्ने आज कुछ कर दूंगा। ये देख ले, 25 और ये 50 और ये 75 और ये। सेठ जी, एक कारतूस की क्या कीमत है? एक कारतूस की कीमत 20 रुपया होएगा। 20 रुपए? हाँ, मैं तो तन्ने पहले ही कहा तो कि कीमत डबल हो जाएगी। मगर हमारे शहर में तो 6 रुपए का मिलता है। अब मिलता होगा, इस इलाके में तो मेरी एक ही दुकान है, और जो मैं दाम मांगू मने मिल जावे। अच्छा, हाँ ये बात है। सेठ जी, ये भी बेचने का है ना? हाँ, बेचने की, खरीदनी है क्या? बहुत अच्छा है भाई। अच्छा तो हो गई। और ये गोली भी इसी की है ना? बिल्कुल इसी की है, बिल्कुल फिट है। अरे भाई, देखने की तो चीज ही नहीं है,
मेरी दुकान तो बहुत मशहूर है, बड़ा बड़ा लोग माल ले जावे। अरे और तो और, जंगा डाकू ने भी जरूरत पड़े तो मेरे पास से ही माल ले जावे। अच्छा है? इसका असली दाम क्या है? 6,000 रुपए। बस 6,000? बस 6,000। कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं नहीं भाई, पैसे के मामले में मैं कम को नहीं करूँ। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं भाई, हम तो तुमको पहला बोला था बिना लाइसेंस के माल की कीमत डबल हो जाएगी। तो फिर 6,000 के रिवॉल्वर से मारने में बहुत मजा आएगा, क्यों सेठ जी? क्यों मजा करे, अरे अंदर गोली मर जाएगा। तन्ने मर लूंगी तो मेरी दुकान में केवल, बाहर जाके मर पुलिस मैंने पकड़ लेगी। इसका असली दाम क्या है? 6,000 रुपए। 6,000? हाँ 6,000। इसका असली दाम क्या है? 6,000। बस 6,000? देख पैसे के मामले में तन्ने पहले तो, पाँच पाँच 5,000? 5,000। थोड़ा और ज्यादा सेठ जी, ये तो बहुत कम है। नहीं नहीं भाई, 6,000। 4,000 बस? 4,000। थोड़ा और बढ़ाइए। 4? नहीं नहीं नहीं, 4,000 में तो नहीं हो सकता। जी दीन दीन दीन। अरे भाई मैंने मारे मती, मेरी लुगाई बेवा हो जाएगी, तने बाप लगेगा, मत छोड़ दे। अच्छा तो इन सारे कारतूस और इस रिवॉल्वर का दाम 5,000 रुपए। 5,000 के एक पैसा भी मत दे, ले जा हटे से, मेरी जान छोड़ मेरा बाप। अब जरा मुस्कुराइए, थोड़ा और जोर से। वेरी गुड, थैंक यू, सी यू। बाप रे बाप। अरे भाई तू तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, अरे से निकले तो मिलके जाइयो। संभालो कारतूस, सिर्फ 5,000 रुपए में सारा सौदा पड़ गया। दिलावर को पकवाने के जो 20,000 रुपए मिले थे ना, उसमें से 15,000 रुपए ये बचे संभाल। और ये कितने? मुश्किल 1,000 रुपए, यानी कि मुफ्त। ये कोई बात हुई ना। और ये डबल बैरल कहाँ से मिलती है यार? ये गांव वालों ने दी है, दो अभी। वेरी गुड, क्या बात है, बच्चे बड़ा खुश नजर आ रहे आज तो। यार यहाँ रहने से तो छोटे शहर में रहना अच्छा। क्यों? हाँ वहाँ केले जो मिलते हैं। अरे वहाँ भी हाथ मार के आया क्या? बच्चे एक ना एक दिन तू अपनी और साथ में हमारी बारात निकलवाएगा। ऐसे ही होगा। इसमें क्या? इसमें आग की शराब, यानी कि संगे मरमर के जिस्म पे लिपटने वाली भी, अनपढ़ों की जबान में साड़ी रिटक ले। नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी जरूरत भी थी क्या? मतलब गाँव में कहीं भी कोई आदमी दिखाई दे? नहीं, ये तो हम लोग सोच रहे हैं कि गांव वाले गए कहां। डाकू ने हमला किया है क्या? हमला तो हुआ है, लेकिन डाकू का नहीं। तो फिर तुम्हारी रीटा का तालाब पर लाने गई। आज हमने भी जलपरी के दर्शन कर ही लिए। कौन जाने जलपरी है या जल देवता, ऊपर रंगिया पहने और नीचे जंगिया। अरे भाई आजकल तो शहर की लुगाइयों की अक्ल ठीक नहीं है, कलयुग है और कलयुग। ये क्या मेला लगा रखा है? मेला मैंने लगा रखा है या तुम्हारे दोस्त के गांव वालों ने, जैसे कभी औरत देखी ही नहीं। चलो कपड़े पहनो। अब खिसक, चलो मामला गंभीर है, चलो 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 चलो। इसीलिए मैं तुम्हें गांव नहीं लाना चाहता था, हर दिन एक नई मुसीबत खड़ी कर देती है। अगर तुम अपना रवैया नहीं बदल सकते हो शहर वापस चलिए, ये तो मर्द थे। अगर गांव की औरतों ने तुम्हें इस हालत में देख लिया ना, गाजर मूली की तरह काट कर इसी तालाब में फेंक देंगे, समझे? नॉनसेंस। आज पहली बार तुमने मुझ पर हाथ उठाया और इस बात की फिक्र की
कि कोई मुझे बुरी नजर से न देखे। नहीं, I love you for that। ओह हो बेबे, ये डाकू है ये, मार। हाँ, ये कोई बात हुई ना? देखिए, जब डाकू आए तो आप खिड़की में से उन्हें यूं मारिए। कैसे? अंदर आइए। देखिए, यूं मारिए। समझे? ये लॉकेट आपका बहुत खूबसूरत है। जी? नहीं, नहीं। आप जरा प्रैक्टिस कीजिए, संभालिए, ठीक से बांधो उसे, अरे खींच कर बांधो उसे, अरे बेवकूफ पत्थर से क्या ठोकता है, तोड़ लेकर क्या, चल जाओ ऐसे, खींचो, अरे खींच के बांधो पहले। चाचा। बिरजू। माँ ने तुम्हारे लिए रोटी भेजी है। अच्छा। साग भी भेजा है, तुम्हें साग बहुत पसंद है ना? बिरजू, तुम्हें लिए रोज रोटी लेकर क्यों आता है? मैं तुझे बहुत अच्छा लगता हूँ क्या? बहुत अच्छे। कितने अच्छे? इतने। भगू, आज गर्मी बड़ी है। ये डैनी और सलीम कहाँ चले गए? ये लो एक और चाकू। बल्ले ओ पुत्रा। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे बापू से बात करो ना। भग्गू, लगता है तेरी माँ की आत्मा आजकल बहुत शांत है। यार, पंडित के सिवा कल्याण नहीं होगा। अरे घनश्याम, हम ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन सचमुच कहीं जंग आ गया तो लड़ेगा कौन? तू? मैं? अरे मेरी तो उसके नाम से ही जान निकली जा रही है डर के मारे। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। सबसे बड़ा है, दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं।
बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं। हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। अरे बिट्टू बेटे, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ चाचा। बेटे, उस दिन तो तुम हमारे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लाए थे, आज क्या लेकर क्या होगे? माँ से पूछ के बताता हूँ। माँ, आज चाचा को क्या देंगे? बेटा कहती, आपको जो पसंद है वही लाऊंगा। आपको जो पसंद है वही ले आऊंगा। अच्छा, हमें तो आपके घर का सब कुछ पसंद है। तो सब कुछ ले आऊंगा। बेटे, अपनी माँ से कहो कि मुझे उनके हाथ का बनाया हुआ साग बहुत अच्छा लगता है। आप क्यों नहीं बोल देते? अरे हम कैसे कह दें, हम तो तुम्हारी माँ का नाम तक नहीं जानते। माँ बोल दो। नहीं बेटी, आप ही बता दीजिए ना। बताइए ना, इसमें शर्माने क्या बात? मधु। मधु, कितना प्यारा नाम है। जितना साग में नमक था उतनी नाम में मिठास। क्या साग में नमक ज्यादा हो गया था? मैं तो स्वाद की बात कर रहा था। उस दिन बरसों बाद इतना स्वाद साग खाने को मिला, शहर में ऐसी चीजें मिलती कहाँ है? तो गांव में रहिए ना। गांव तो अब आ गया हूँ, लेकिन यहाँ हमें हर रोज साग कौन खिलाया करेगा? मैं खिला दिया करूंगी। कौरी साहब, तो पंजाब सुना नहीं पड़ेगा, वरना सारे गांव की इज्जत चली जाएगी। रामू का तो दिमाग खराब है, गांव में गुंडे पालक हैं और घर में दो दो लौंडियां, और मैंने सुना है उनमें से एक चंदनपुर की नाचने वाली है। अच्छा? लो अब इन्हें देख लो, शर्मो है या नाम को नहीं, गांव में आधी नंगी घूम रही है, गांव के छोकरों की जिंदगी खराब करके रखी है। ए बुजुर्ग, सवाल सवाल की बात करो ना, मुंह तोड़ दूंगी। सुन लिया चौधरी, अब तो पंचायत बुलानी ही पड़ेगी। याद रखना छोकरी, तूने मेरी बेइज्जती की, तूने मेरा गला पकड़ा है, मैंने तुम्हें गांव से बाहर नहीं निकलवाया, तो मेरा नाम हौलदार की चला ली। ए ए ए, मार दिया मार दिया मार दिया। देखा चंदू, देखा, अपने साथ साथ मधु को भी खराब कर रही है। मैं उसकी सास को कच्चा चिट्ठा बता के आया हूँ, अब इसका फैसला तो पंचायत ही करेगी। चल भाग, चल भाग, चल मारेगी मारेगी। अरे फुट फुट, बाप देखे तेरे जैसे। सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। खेत पर गई थी या उस शहर के गुंडे के सामने दीदे मटकाने गई थी? दिन दहाड़े मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, सारे गांव में तेरे कुकर्मों की चर्चा हो रही है। दाइन ब्याह करने के बाद ही मेरे जवान बेटे को खा गई। अरे अभी तो उसकी चिता की आग भी ठंडी नहीं होने पाई, और चुपा तन का आग बुझाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगी। बेहया बेशरम, अगर तेरे तन बदन में ऐसे ही आग लगा है, जा किसी कोठे पर बैठ जा। खबरदार, जब मुझे माजी का तो जबान पड़ के खींच लूंगी। अब एक पूरा बहादुर किसी और को डराना, कान खोल कर सुन ले, अपने जीते जी इस घर के पुत्रों का नाक नहीं कटने दूंगी। अगर तू भले घर के बहुओं की तरह नहीं रह सकती तो चली जा अपने मायके, जाके वही अपना मुंह काला कर। अम्मा, मेरी माँ को मत मारो। आज के बाद अपने पोते पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। एक कुलता इस घर की माँ बहू नहीं बन सकती है, चली जाए यहाँ से। गोपाल की माँ क्यों उस बेचारी को कोस रही? इसे जाना होता तो कब की चली गई होती। हमने अपना बेटा खोया है तो इसने भी अपना स्वार्थ खोया, इस घर में सुखी कब देखा है? फिर भी दिन रात हम लोगों की सेवा करती रहती है। ये हमारे बुढ़ापे पर तरस न खाती तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। तुझे शर्म नहीं आती इस गांव समान लड़की को हर वक्त गालियां देती रहती हो? अरे मुझे तो चुप करा दोगे, गांव वालों का मुंह बंद कर फिर जाना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था चौधरी, इन लोगों को गांव में मत आने दो। क्या मतलब, किसी दो बातें कर लेने से क्या पाप हो जाता है? उस बेचारी पर क्यों उसका दम लगा रहे हो? अरे तुम अपनी बात करो, हमारे गांव की बहू बेटियों के बारे में तुम लोगों को कहने का कोई हक नहीं, क्यों चौधरी? चाचा, इन लोगों ने गांव के लिए इतना कुछ किया, आप लोग फिर भी इन्हें दोष दे रहे हैं। अरे चौधरी, मुझे उस बुड्ढे की उम्र का लिहाज ना होता ना
तो एक हाथ देके सारे दान निकाल देता। बुड्ढा तेरा बाप। देखा चौधरी, ये तुम्हारे सामने मुझे क्या कह रहे हैं? चुप रे घोचू, जवाब नहीं। एक बेचारी गूंगी लड़की के खिलाफ सारा गांव आवाज उठा रहा है। इस पंचायत में औरतों को आने का हुक्म नहीं, और वो भी बदमाश औरतों को। चली जाओ जहाँ से और मुंह काला करो। ब्लैक फेस, खबरदार मेरी मंगेतर के बारे में कुछ कहा तो। आवाज छोड़ो इस गांव को, यहाँ रखा ही क्या है? हाँ यार, यहाँ रखा ही क्या है? हाँ जाओ जाओ, तुम्हें रोकता ही कौन है? अरे पुलिस, मेरे होती है पुलिस का क्या काम? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। खबर मिली है कि जंगा ने तुम्हारे गांव पे हमला किया था और तुम लोगों की वजह से भाग गए। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने उसका डटकर मुकाबला किया। मुझसे पूछिए ना। अच्छा अच्छा, लेकिन उसके लिए तो काफी बंदूकों की जरूरत होती है, अच्छे निशानेबाजों की जरूरत होती है। कितनी बंदूकें हैं तुम लोगों के पास? जी बंदूकें तो कुछ ज्यादा नहीं इंस्पेक्टर साहब। डाकू है, पुलिस वाले नहीं। देख चुकी हो, अगर रामू का इससे बुरा हाल न कर दूं तो मेरा नाम भी जंगा नहीं। शेरा, इसे आपस में बांट लो। रानी ने हमें सब कुछ बता दिया, हमने उसकी जान बख्श दी और तुम कुछ नहीं बता रहे। और जानते हो जंगा क्या करे? लाश गांव में फिकवा दो ताकि उनको भी ये पता चले कि जंगा से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? मैं निर्दोष हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। जंगा मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ लिया है। जंगा कहाँ है? थूर गांव की तरफ गया है। क्यों?
उसने अभी अभी वहाँ का एक जवान लड़का बड़ी बेदर्दी से मार डाला है और बाकी गाँव वालों से बदला लेने गया है। रामू बेटे की लाश गांव के बाहर पड़ी थी, मैं उठा कर लाया। उसकी जासूस है। मैं तेरी जान ले नहीं। मैं तुझे नहीं। 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 मैं अगर जंगा ने रामू को जान से मारा है तो तू कैसे बच गया? भैया मेरी बात तो सुनो। भैया तवायफ का ना तो भाई होता है ना वो किसी की बहन होती है, जिससे ज्यादा पैसे मिल जाए उसी के हो जाती है। यही तो मेरी बदकिस्मती है। तेरी वजह से ये यहां ठहराई गई और आज इसकी वजह से मेरे रामू की मौत हुई। अब एक ही रास्ता है, या तो तू उसे मार डाल या ये काम मुझे खुद अपने हाथों से करना होगा। ये लो सही। सलील औरत, रामू ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे जंगा के हाथों बेच दिया? नहीं सलील, ये झूठ है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का खून नहीं करवाया। जिंदगी ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जंगा कहता है कि मैं तुम लोगों से मिली हुई हूँ, तुम लोग कहते हो मैं जंगा की जासूस हूँ। उधर वो मेरी जान का दुश्मन है, इधर तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। ठीक है, मार डालो मुझे, चलाओ गोली। रुक क्यों गए, चलाओ। मैं जानता था बुजदिल गोली चलाते हुए तेरे हाथ कांपेंगे। ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। खैरो, तुम इस समय? मैं हर जगह ठीक समय पर ही पहुंचता हूं। मैं जानता था कि तुम्हें रानी पर शक जरूर होगा और तुम इसे खत्म करने की बेवकूफी करोगे, लेकिन बरखुरदार दुनिया में सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलता, कभी कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी। नहीं, मैं यहां राय देने आया हूं। मैं इतना जानता हूं कि रानी बेकसूर है और मैं इसे यहां से ले जाने आया हूं। खैरो, ये जिंदा तो यहां से नहीं जा सकती और मरने मैं भी नहीं दूंगा। इसने मेरे भाई का खून करवाया, ये जंगा की जासूस है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर ये जंगा की जासूस है तो जंगा इसे कोठे से उठाकर क्यों ले आया? अगर ये उनसे मिली हुई है तो दिलावर से क्यों मार डालना चाहता था? अपनी जान को खतरे में डालकर ये तुम तक खबर लेकर क्यों आए? ये झूठ है, ये झूठ है। ये झूठ नहीं, झूठ वो है जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। तुम तो पहले दिन से नफरत करते रहे, इसे गलत समझा, इसे हमेशा तवायफ तवायफ कह के पुकारते रहे, लेकिन कभी इंसान नहीं समझा। मैं तो यही कहूंगा कि एक तवायफ तुम लोगों से लाख दर्जे बेहतर है। अपनी जान पर खेल कर तुम लोगों की जान बचा गई। मैं तुम लोगों के पास दुश्मनों से बचा कर अपनी अमानत समझ कर भेजा था। खूब हिफाजत की है मेरी अमानत की। खैर, इन बातों के लिए वक्त नहीं। इससे पहले कि जंगा इस गांव पर हमला कर दे, तुम अपने भाई की अंतिम क्रियाकर्म कर लो।
को गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरी गांव वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो, मुझे तो सिर्फ इन 5 कुत्तों से हिसाब चुकाना है, समझे? लेकिन याद रखो, जो भी इनका साथ देगा भून दिया जाएगा। शहर की गलियों के 5 कुत्ते, ये मेरा इलाका है, यहां सिर्फ एक ही आवाज सुनी जाएगी और वो है जंगा की। बलराम सिंह, घोड़ों पर काबू पाने की कोशिश करो। माता, मेरे पसीने तो पहले ही छूट रहे हैं,
लेकिन मुझे शक्ति दे कि मैं तेरा इस्तेमाल कर सकूं। ओ छुटके आ पुत्रा। वाह भाई वाह। इसे संभालो कहीं किसी घोड़े के पांव के नीचे ना आ जाए। कुछ नहीं जी, इन चार लाशों का मैंने 40 सारे इकट्ठा कर लिया है। अब तो मुझे जंगा चाहिए मेरे यार। ये तेरे गोली किसने मारी मेरे यार? रानी अजीत, मुझे जंगा। बाबा को बहादुरी से नहीं, कुछ दिली से मारा था, बड़ी बेरहमी से मारा था। मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका और देता हूं। याद आया? बोल जंगा, याद आया? Thank you.
चौधरी साहब, मैं आपको और खास तौर पर इन सब लड़कों को अपनी और सरकार की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। आप लोगों ने इन खोटे सिक्कों में ऐसी लगन पैदा कर दी जिसकी वजह से आज पूरे इलाके को डाकुओं से छुटकारा मिल गया। एसपी साहब, आज हम जो कुछ भी बन पाए हैं इन गांव वालों के प्यार से और आशीर्वाद से। इन्होंने हमें नया जीवन ही नहीं बल्कि एक नए जीने की राह भी दिखाई है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू एसपी साहब, थैंक यू वेरी मच। आज से मेरे भी गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी खत्म हो गई। आज से मुझे भी एक नई राह दिखाई देने लगी। अरे वही कुएं वाली बात जो उस दिन बहुत बुरी लग रही थी, आज अच्छी लग रही है। चौधरी, तुम इन गांव वालों को हमारी बेटी मधु और हमारे गांव के बेटे जग्गू के ब्याह का न्योता दे दो। जग्गू बेटे, चलो वंस अगेन तालियां।